खोज कर कम से कम हाल खोजने के बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी तो सच सबर कर बैठे अल्लाह बेचारे कोई कोई कख नहीं वो समझते आप सब को दफा करो कि अल्लाह ने जान बचा ली है क्या करेगी हूँ मीडिया आ गए। जी सर ये है जी वो गोला जो यहाँ आकर लगा है ये साथ में लगा हुआ है इसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। तो अगर ये दिन में यहाँ होते देखो या यहाँ बच्चे वगैरह सब घूमते रहते इस जगह में तो काफ़ी नुकसान हो सकता था। अब समझ नहीं आता कि गोलाबारी से क्या मिलेगा। हुकूमत से गुजारिश करते हैं गोलाबारी बंद किया जाए। अगर आपने मैच ही खेलना है तो वो और तरीका बहुत है मैच एक बार खेल लें क्योंकि यहाँ तो हम बहुत परेशान हुए हैं कि मालिक कफीर खान साहब ये बात भी नहीं कर सकते इनकी वालदा बुजुर्ग हैं बीमार हैं बच्चे हैं बहुत परेशान हैं। तकरीबन 10 और 11 के दरमियान में पाकिस्तान की तरफ से गोला लगा है जिसकी वजह से मोहम्मद कफीर खान बल्दे रफी खान साहब ये मेरे साथ हैं इनके घर में लगकर काफ़ी नुकसान हो गया। अल्लाह ने बचा लिया जहाँ ये लेटे थे वो ब्लंडर जो है दीवार को तोड़कर यहाँ से अंदर गया दूसरी दीवार में अंदर लगा अल्लाह ने बचा लिया। मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ ये फायर बंद किया जाए आखिर कब तक ये खून बहता रहेगा क्योंकि इससे पहले भी इसी तरीके से फायरिंग से कस्बा के अंदर एक आदमी का मकान टूटा है दूसरा आदमी जान दो बैठा है अगर दिन के अंदर लगता तो काफ़ी नुकसान हो।